आपकी ट्रेनिंग में पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, जब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो बच्चे जाते हैं तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस फॉर्म का नाम है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और जिसे डैप हम संक्षिप्त रूप में डैप कहते हैं। तो ये जो डैप है उनका, ये डैप के ऊपर काफी सवाल बच्चों को पूछे जाते हैं। एक्चुअली जब बच्चा जब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जब एंटर करता है इंटरव्यू के रूम में, तो चेयरमैन सबसे पहले उसे बुला लेगा, वेलकम करेगा, बाकी मेंबर्स भी रहेंगे। और एक बार एस्पिरेंट ने ग्रीट कर दिया तो देन बैठने के लिए कहा जाता है, और जो सवाल जो शुरू हो जाते हैं वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देख के ही शुरू हो जाते हैं। जैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, आपका नाम जो है, आपका नाम, जैसे मेरा नाम महेश है, तो महेश तो ये भगवान शिव जी का नाम है, तो शिव जी के और क्या क्या नाम है। इस तरह से जस्ट कुछ हल्के फुल्के सवाल शुरू में पूछे जाएंगे, आइस ब्रेकिंग, जिसे हम आइस ब्रेकिंग कहते हैं, कि थोड़ा सा एटमोसफेयर रिलैक्स होने के लिए। ये बाद में फिर सरनेम, जैसा भागवत है तो भागवत धर्म है महाराष्ट्र में, भगवत गीता है, तो उसी के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ने हर एक कैंडिडेट ने जो जो कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दी है अपने बारे में, कि अपना नाम हो, फादर का नाम हो, एड्रेस हो, अपना ग्रेजुएशन हो, अपना ग्रेजुएशन का जो स्पेशलाइजेशन हो, ग्रेजुएशन के बाद कहीं जॉब किया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, अपना नेटिव प्लेस हो, नेटिव डिस्ट्रिक्ट हो, नेटिव स्टेट हो, अपने हॉबीज हो, अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज, कार्डर का कौन सा कार्डर आप करोगे, कौन सी सर्विस आप सिलेक्ट करोगे, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट ने फिलअप की है, उसी के ऊपर खरे कैंडिडेट को कम से कम 4 या 5 सवाल तो पक्के पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में हम 100% इंश्योर करते हैं कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे उसको कुछ भी सवाल पूछे, ही शुड बी रेडी टू फेस दैट। क्योंकि करंट इवेंट में तो आप तो पूरा लिमिट ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट। करंट इवेंट कहीं का भी, कौन से भी कंट्री का वो सवाल पूछ सकते हैं, या देश में भी कोई भी स्टेट में क्या हो रहा है पूछ सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं रहता। बट आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने खुद भरा है, उसमें आपको जानकारी कितने, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके उसका एप्लीकेशन कैसा करेंगे सिविल सर्विस में, आपके ग्रेजुएशन का नॉलेज आप सिविल सर्विसेज में कैसा करेंगे, या आपकी हॉबी हॉबीज का आप हॉबी का आपको क्या फायदा होता है, आपको सिविल सर्विस, आप सिविल सर्विस में आने के बाद उस हॉबी का समाज के लिए क्या फायदा होगा, इस तरह के काफी सारे सवाल रहते हैं। तो बच्चों का जो है बेसिकली एप्लीकेशन बेस हम उनको तैयार करते हैं, और उनका जो देखने का नजरिया है, नजरिया हम थोड़ा सा वाइडन कर देते हैं। लॉजिकल विथ एविडेंस कैसी बात करना, उसी के बारे में हम खासकर बच्चों को बताते हैं।